बात सामने आई? देखिए, जो कल दोनों अभियुक्त घटनास्थल पर पकड़ाए थे, उसमें से एक अभियुक्त का अभी तक इलाज चल रहा है। पूछताछ में जो सारी बात सामने आई है कि इस पूरी आपराधिक साजिश जो है मुजफ्फरपुर में रची गई थी, और घटना के एक दिन पहले दोनों अभियुक्त जो है वो आके राजेंद्र नगर के पास एक होटल में रुके थे, और उसके बाद अगले दिन सुबह उन्होंने होटल छोड़ा था, और होटल छोड़ने के बाद ये गंगा पथ पर जाकर एक जगह उनको एक दूसरा जो कॉन्स्पिरेसी में शामिल अभियुक्त था वो मिला था। उसकी पहचान हम लोग कर रहे हैं अभी। उसके द्वारा उनको हथियार उपलब्ध कराया गया था, और फिर जो फोर व्हीलर गाड़ी से उनको कोर्ट न्यायालय परिसर में छोड़ा गया था। उसके बाद घटना करने के बाद वहाँ एक मोटरसाइकिल भी उसी व्यक्ति द्वारा खड़ी की गई थी, और उसी मोटरसाइकिल से इन लोगों को भागना था, लेकिन इसी बीच इन लोग हथियार के साथ गिरफ्तार हो गए। तो पूरी है इसमें पूछताछ के क्रम में जो षड्यंत्रकर्ता है उस उन लोगों का नाम भी जो है दोनों अभियुक्तों ने बताया है। टोटल जो बात हुई थी वो अभी से पूछताछ में जो जानकारी मिली है कि 12 लाख रुपए कुल फिरौती की रकम देने की बात हुई थी, अरे कुल जो पैसा देने की बात हुई थी, जिसमें से 2 लाख रुपए इन लोगों को दिया गया था और 10 लाख रुपए और देने की बात हुई थी। अभी तक के अनुसंधान में इन दो अभियुक्तों के अलावा 4 अन्य लोगों की भूमिका आई है। उसमें से 3 लोगों की पहचान हम लोग कर चुके हैं, एक अभियुक्त की पहचान अभी नहीं हो पाई है, उसकी पहचान हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल, आपकी आवाज है हम।